वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज हम द स्पेक्टेटर क्लब बाय सर रिचर्ड स्टील इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिचर्ड स्टील ने इसकी शुरुआत जुविनल के सेटायर्स में से की है, जिसका मतलब है कि छह और एक साथ जोरदार आवाज में चीखते हैं। तो ये जो स्पेक्टेटर क्लब है, ये एक पीरियोडिकल ऐसे है जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि ये क्लब उन्होंने, हम मान सकते हैं कि ये क्लब जो है वो अखबार में यूज होने वाला एक क्लब था। ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ आवर सोसाइटी ऑफ आवर सोसाइटी मीन द स्पेक्टेटर क्लब इज ए जेंटलमैन ऑफ वर्सशायर। कहता है कि हमारी सोसाइटी में पहला बंदा वर्सशायर का जेंटलमैन है, और जो कि एक एंशिएंट डिसेंट, एक पुराने वंश के बैरन है। हिज नेम सर रोजर डी कवरले, उनका नाम सर रोजर डी कवरले है। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर वाज इन्वेंटर ऑफ दैट फेमस कंट्री डांस। उनके दादाजी ने, मान दादाजी ने एक कंट्री डांस शुरुआत किया था जिसका नाम उनके नाम के बाद कवरले डांस पड़ा। All who know that Shire are very well acquainted with the part and merit of Sir Roger. जो भी लोग उस इलाके को जानने वाले हैं, वो Sir Roger की क्वालिटी, part and merit, उनकी क्वालिटी, उनके आत्मों को अच्छी तरह से जानते हैं। He is a gentleman that is very singular in his behavior. Singular means eccentric, संकी। वो एक ऐसे gentleman है जो कि अपने व्यवहार में बहुत संकी हैं। But his singularity proceed from his good sense, पर उनकी जो ये सनक है वो अच्छी किस्म की है, good sense, अच्छी किस्म की सनक है। and are opposed to the manner of people, और वो जो है ये दुनिया के तरीके हैं उनसे अलग है। only as he think the world is in wrong, क्योंकि वो यही सोचता है, सर्वजोड़ी सोचते हैं कि दुनिया गलत है। however this humor creates him no enemy, इस मजाक की आदत इस समय के कारण उनके दुश्मन नहीं बनते हैं। For he does nothing with soreness or obstinacy, क्योंकि वो कुछ भी काम है वो हट वगैरह या bitterness के साथ नहीं करते हैं। soreness मतलब bitterness के साथ में वो कोई काम नहीं करते हैं, वो सारा काम हमेशा अच्छाई से करते हैं। And he is being unconfined to modes and form make him but readier and more capable to please and oblige all who know him. और वो जो दुनिया के तरीके हैं वो उनके उनके अनुसार कन्फाइंड चलने वाले नहीं हैं, बल्कि रेडियर, हमेशा रेडी रहते हैं, और जो भी उनको जानते हैं उनको खुश करने में, उन पर एहसान ओबलाइज करने में वो हमेशा रेडी रहते हैं। When he is in town, he lives in Soho Square, लंदन का एक इलाके का नाम है। वो कहता है कि सर जब भी वो टाउन में रहते हैं तो वो सोहो स्क्वेयर में रहते हैं। It is said he keep himself a bachelor by reason. कहा जाता है कि वो जानबूझकर वो कुंवारे हैं। He was forced in love by a perverse मतलब ill-natured beautiful widow of the next county groom, जो कि उन्होंने उनसे अगले गांव की, जो काउंटी मतलब गांव मान लीजिए, उनसे अगले गांव की जो एक ब्यूटीफुल विडो थी, उसने उसे उन्हें प्यार में धोखा दिया था। बिफोर दिस डिसअपॉइंटमेंट, इस धोखे से पहले, सर रोजर वाज व्हाट यू कॉल ए फाइन जेंटलमैन। सर रोजर एक फाइन जेंटलमैन थे। आर सपड ऑफन सपड विद माय लॉर्ड रोचेस्टर एंड सर जॉर्ज पीथरजी इथरी। वो उन्होंने सर रोचेस्टर, ये भी एक बदनाम लवर है, और सर इथर जो उनके फ्रेंड है ये भी बदनाम व्यक्ति हैं, इनके साथ उन्होंने ऑफन सब हमेशा खाना खाते थे। फॉट ए ड्यूल होता है, वन टू वन फाइट, एक के साथ आमने सामने की लड़ाई। अपॉन हिज फर्स्ट कमिंग टू टाउन, शहर में आने, कस्बे में आने पर सबसे पहले उन्होंने लड़ाई की थी। एंड किक्ड बुली डासर, ये एक बदनाम करेक्टर है जिसका जिगर चार्ल्स लैम ने अपने एसे में किया था। इन्हें पब्लिक कॉफी हाउस पर कॉलिंग हिम यंगस्टर, क्योंकि बुरी डासन ने छोटू कह दिया था, इस पर उन्होंने उसके पेट में लात मारी थी। बट बीइंग इल यूज्ड बाय द अबव मेंशन विडो, पर इस विडो ने जब उनका गलत इस्तेमाल किया, ही वाज वेरी सीरियस फॉर ए ईयर एंड हाफ, तो वो एक साल, डेढ़ साल तक तो बड़े संकी रहे। Though his temper was being naturally jovial, हालांकि उनका जो
उनका जो आदत थी वो बहुत ज्यादा हमेशा खुश रहने वाली थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, ही एट लास्ट गेट ओवर इट, तो वो इस निराशा से ऊपर आ गए, ही ग्रू केयरलेस ऑफ हिमसेल्फ, वो उन्होंने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया, एंड नेवर ड्रेस्ड आफ्टर बार्थ, और उसके बाद उन्होंने कभी भी हम कह सकते हैं ढंग से कपड़े नहीं पहने, मतलब फैशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कपड़े कभी भी नहीं पहने। He continued to wear a coat and doublet of the same cut that were in fashion at the time of his repulse. उन्होंने जो कपड़े उस टाइम जब उनको प्यार में धोखा मिला था तब जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे वही कपड़े उन्होंने वो कहते हैं कि उन्होंने वही कोट और वही डबलेट वही जैकेट उन्होंने पहननी स्टार्ट कर दी, विच इन हिज मैरी ह्यूमर्स, जब वो कभी खुश हैप्पी मूड में होते हैं, ही टेल अस has been in and out 12 times since he first wore it, के 12 बार वो फैशन में आज उसका फैशन आ चुका है जा चुका है जब से उन्होंने पहली बार इसे पहना है। It is said Sir Roger grew humble in his desire after he got and forgot his cruel beauty, जब से वो उस सुंदर उस लड़की को भूले उसके बाद वो बड़े ही हम्बल हो गए हैं। इन सो मच इट इज रिपोर्टेड, वो इतने ज्यादा हम्बल इतने ज्यादा नम्र हो गए हैं, ही हैज फ्रीक्वेंटली ऑफेंडेड विद बैगर्स एंड जिप्सीज, कि लोग उनको भिखारी या जिप्सी बंजारा समझ लेते हैं, बट इट इज लुक्ड अपॉन बाय हिज फ्रेंड्स rather as a matter of raillery than truth, पर उनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं ये तो ऐसी अफवाह फैली हुई है, raillery अफवाह फैली हुई है, कोई सच नहीं है। He is now in his 56 year. Short question बन सकता है सर रोजर डी कवर्ली की एज कितनी थी, 56 year थी। ये भी short question बन सकता है कि उन्होंने वो जैकेट को कितनी बार कहते हैं, 12 बार उनका उसका फैशन आ जा चुका है। अब cheerful है, gay है, खुश है, hearty है, बड़े दिलदार आदमी है, keep a good house both in town and country, पैसे वाले बंदे हैं सब, तो कस्बे और गांव शहर और गांव दोनों में बहुत अच्छे अच्छे घर रखे हुए हैं, इज ए ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड, आदमी उन लोगों को बड़ा प्यार करते हैं, बट देयर इज सच ए मिर्थफुल कास्ट इन हिज बिहेवियर, और उनका जो व्यवहार थोड़ा सा मजाकिया है, दैट ही इज रादर बिलवड देन एस्टीम, कि जितना सोचा जाता है उससे भी ज्यादा लोग उन्हें प्यार करते हैं। Each tenant grow rich, उनके किराएदार अमीर हो गए हैं, each servant looks satisfied, क्योंकि वो किराया कम लेते हैं, उनके नौकर बड़े खुश रखते हैं, all the young women profess love to him, सबने उन्हें प्यार का इजहार किया है, and young men are glad of his company, और जो young men है वो उनकी कंपनी से खुश हैं। When he come into a house, जब वो अपने घर पर आते हैं, चाहे वो सोर्स केयर में आए ये चाहे वो बरसाए शहर में आए, दोनों जगह उनका घर है, he call the servant by their name, नौकरों को नाम लेकर बुलाते हैं, and talks all the way upstairs to visit, और बोलते बोलते वो ऊपर तक जाते हैं या उन नीचे आते हैं तो बात करते हुए आते हैं। I must not omit, मैं एक बात आपको बताना ना भूल जाऊं, that sir Roger is a justice of the quorum, कि वो एक जज भी है, that he fill the chair at quarter session with great ability, 3 महीने quarter session, 1 साल का session, 3 महीने वो जज बने रहते हैं, and 3 months ago, 3 महीने पहले ही gained universal applause by explaining a passage in Game Act. Game Act एक कानून है जिसमें वो ये कानून जानवर और पक्षियों को खेल के रूप में यूज करने संबंधी है, इस कानून के एक पैरे पर उन्होंने यूनिवर्सल अप्रोच सबसे प्रशंसा प्राप्त की। Second is the gentleman next in esteem and authority among his another bachelor who is a member of inner temple. वो inner temple का दूसरा member है, a man of great probity, बहुत ही ईमानदार आदमी है, wit बुद्धिमान है, understanding है, but he has chosen his place of residence rather to the direction of an old rumorsome father, पर उन्होंने रहने की जगह जो इनर टेम्पल है वो सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ वकील रहते हैं, बड़े बड़े वकील रहते हैं, वो जगह उसने अपने बाप के कहने पर लिया जो कि उसका बाप भी बड़ा सनकी है, rather than in pursuit of his own inclination, ना कि उसने अपनी मर्जी से लिए, he was placed there to study the law of land, वहाँ जमीन के कानून समझने के लिए उसे रखा गया था, and is the most learned of any of the house इन दोज ऑफ स्टेज, पर वो जो बंदा है वो सबसे ज्यादा लर्नेड तो है इन टेम्पल में सबके रहने वाला सबसे ज्यादा लर्नेड है, लेकिन स्टेज के रूल इस बंदे को नाटक पसंद है, थिएटर पसंद है, थिएटर के रूल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, अरिस्टोटल एंड
Longinus are much better understand by him than Lytton and Coke. ये दोनों Littleton और Coke famous judge हैं. वो कहता है कि Aristotle और Longinus उससे ज़्यादा बेहतर Littleton और Coke को भी समझ नहीं आए होंगे. The father sends up every post question relating to marriage articles. इसके पापा क्या करते हैं, हर लेटर में उसे एक क्वेश्चन लिख के भेजते हैं कि भाई बता ये शादी में क्या होगा, लीज में, लीज किराए पर देना, टेन्योर, प्रॉपर्टी रिलेशन में क्वेश्चन भेजते रहते ताकि पता चलता रहे कि इस बेटा कितना बढ़िया लॉ सीख रहा है. All which questions he agree with an attorney to answer and take care of in the term. और इस बंदे ने भी क्या कर रखा है, बाप उधर से बाप ने वकील कर रखा है क्वेश्चन पूछने के लिए और इधर से इसने भी एक वकील को अरेंज कर रखा है कि भैया एक क्वेश्चन है कि तू आंसर दे दिया कर. He is studying in the passion themselves. वो तो passions का अध्ययन कर रहा है. Which he should be inquiring into debate among men which arise from him. जबकि उसे debates का अध्ययन, disputes का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वकील तो debates करते हैं, ये बंदा passion कर रहा है. He knows the argument of each of oration of Demosthenes and Tully. उसे कोर्ट में जो नाटकों में दिखाई देने वाले डेमोस्थेनीज और तुल्ली के हर एक ओरेशन, हर एक भाषण के हर एक तरफ याद हैं, बट नॉट वन केस इन द रिपोर्ट ऑफ आवर ओवन कोर्ट, पर हमारे कोर्ट का एक भी केस याद नहीं है. नो वन एवर टुक हिम फॉर ए फूल, कोई भी उसे मूर्ख नहीं बनता है मानता है, बट नन इंटीमेट फ्रेंड नो ही हैज ए ग्रेट डील ऑफ इट विट, हम दोस्तों को ही पता है कि बहुत बुद्धिमान बंदा है. दिस टर्न मेक हिम एट वंस बोथ दिस इंटरेस्टेड एंड एग्रीबल, ये जो दिमाग का उसका चेंज है, भी दो लोग उसे मूर्ख समझते हैं और लोग उसके दोस्त बुद्धिमान समझते हैं, ये इसीलिए जो है लोग वह डिसइंटरेस्टेड भी हो जाता है और एग्रीबल भी हो जाता है. एज फ्यू ऑफ हिज थॉट आर ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि उसके कुछ ही विचार बिजनेस से रिलेटेड हैं. दे आर मोस्ट ऑफ देम फिट फॉर कन्वर्सेशन, तो बातचीत के लिए बहुत बढ़िया है. हिज टेस्ट फॉर बुक इज ए लिटिल टू जस्ट फॉर द एज ही लिव्स इन, उसको जो किताबें हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से पसंद हैं. He has read all, वो बहुत सब किताबें पढ़ता है, but approve of very few, पर बहुत ही कम किताबों को अच्छा बताता है. His familiarity with custom, manner, action and writing of ancient लोगों को जो उसकी उसको जो एंशंट प्राचीन लोगों की कस्टम, मैनर, एक्शन वगैरह पसंद आते हैं. मेक हिम ए वेरी डेलिकेट ऑब्जर्वर, उसे बहुत ही जबरदस्त ऑब्जर्वर बना देते हैं प्रेजेंट वर्ल्ड का. ही इज एन एक्सीलेंट क्रिटिक, बहुत ही शानदार क्रिटिक है. एंड टाइम ऑफ प्ले इज हिज आवर ऑफ बिजनेस, और जो बिजनेस का टाइम है यानी कि प्ले, जब भी प्ले स्टार्ट होता है वो जो टाइम है, वो टाइम इसका यानी कि शाम के 6 बजे प्ले स्टार्ट होता है, वो टाइम इसका कहता है कि सबसे ज्यादा इसका बिजनेस का टाइम है. एग्जैक्टली एट पास शाम को 5 बजे ही पास थ्रू न्यू इन के पास से गुजरता हुआ, क्रॉस थ्रू रसल कोर्ट को पार करता हुआ, टेक ए टर्न एट विल्स, वो विल थिएटर की तरफ मुड़ जाता है जब प्ले स्टार्ट होता है. ही हैज हिज शू रूप, उसने अपने जूते चमका रखे हैं. एंड हिज पेरिविक पाउडर एट द बार्बर्स, और उसकी जो विग है वो बार्बर नाई उसको पाउडर करके देता है, पाउडर लगा के देता है. एज यू गो इनटू द रोज, क्योंकि जब आपने थिएटर जाना हो तो ऐसे जाना पड़ता है. फॉर द एक्टर हैव एन एम्बिशन टू प्लेज हिम, क्योंकि एक्टर्स की एक ही कोशिश है कि कहीं ये बंदा खुश हो जाएगा तो ये अच्छा लिखेगा. और जब एक्टर्स ये प्ले में आता है तो एक्टर्स बहुत बढ़िया से प्रोग्राम करते हैं तो जनता भी अच्छी खुश हो जाती है. द पर्सन ऑफ नेक्स्ट कंसीडरेशन इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, नेक्स्ट पर्सन सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट हैं, जो कि एक बड़े सिटी ऑफ लंदन के बहुत ही बड़े व्यापारी हैं. ए पर्सन ऑफ अनडिफाइटेबल इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले बंदे हैं. स्ट्रॉन्ग रीजन, बड़े शानदार तर्क है. एंड ग्रेट एक्सपीरियंस, बड़ा अनुभवी बंदा है. हिज नेशन ऑफ ट्रेड आर नोबल एंड जेनरस, उसके जो आइडिया बड़े ही ऊंचे हैं. एंड एज एवरी रिच मैन हैज यूजुअली सम सिली वे ऑफ जस्टिंग, हर एक बंदे की कुछ मजाक करने की आदत होती है. विच वुड मेक नो फिगर वर ही नॉट ए रिच मैन, अगर वो बंदा अमीर ना हो तो ऐसे मजाक पर कोई नहीं हंसता. इसी तरह से ये भी कुछ जोक सुनाता रहता है. ही कॉल द सी द ब्रिटिश कॉमन, वो समुद्र को
ब्रिटिश ब्रिटेन की संसद कहता है, ही इज अक्वेंटेड विद कॉमर्स ऑफ इन ऑल इट्स पार्ट, वो सारे हर एक हिस्से में जो व्यापार होना होता है उस व्यापार को जानता है, एंड विल टेल यू, और वो बताता है, इट इज ए स्टूपिड एंड बारबरस वे टू एक्सपेंड डोमिनियन बाय आर्म्स, हथियारों के दम पर देशों पे कब्जा करना बड़ा ही बारबरस बेकार तरीका है, जंगली तरीका है, फॉर ट्रू पावर इज गॉट बाय आर्ट्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि सच्ची ताकत जो है वो तो आर्ट्स कला और इंडस्ट्री बिजनेस से आती है। He will often argue that वो हमेशा ये तर्क देगा that if this part of our trade will were well cultivated, भी अगर हमारे धंधे में ये चीज improve हो जाए, we should gain from one nation, तो हमें इस business इस हमें इस देश से फायदा मिलेगा, and if another from another, और अगर हमें अगर हमारे business का ये वाला हिस्सा develop हो जाए तो हमें उस देश से फायदा मिलेगा। I have heard him prove that diligence make more lasting acquisition than valor. ये कहता है, मैंने इसे रोज ये प्रूव करते हुए सुना है कि diligence मेहनत जो है उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है ना कि वेलर बहादुरी से। मेहनत से जो चीजें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो वैल्यू कमा सकते हैं, वो बहादुरी से नहीं कमा सकते हैं। एंड स्लोथ हैज रूनड मोर नेशन देन द सोर्ड, और ये कहता है कि सर आलस ने ज्यादा देश बर्बाद किए हैं तलवार की बजाय। ही अबाउंड्स इन सेवरल फ्रूगल मैगजीन्स, इसके पास में फ्रूगल थ्रिफ्ट बचने कंजूसी से रिलेटेड बहुत सारी कहावतें हैं, अमंग विच द फेवरेट ग्रेटेस्ट फेवरेट सबसे ज्यादा पसंद इसको है, ए पैनी सेव्ड इज ए पैनी गट, एक पैनी बचाना एक पैनी कमाना है। ए जनरल ट्रेडर ऑफ गुड सेंस, जनरल ट्रेडर है, कोई खास हर एक बिजनेस में डील नहीं करता है, सब बिजनेस में थोड़ा थोड़ा डील करता है, इज ए प्लीजेंट कंपनी देन ए जनरल स्कॉलर, कहता है कि एक जनरल ट्रेडर जो है वो एक स्कॉलर से ज्यादा बढ़िया कंपनी है, ज्यादा आपको बिजनेसमैन की के पास बैठने में इंटरेस्ट आएगा। एंड सर एंड्रू हैविंग ए नेचुरल अनअफेक्टेड एलिक्वेंस, और इनकी तो बहुत शानदार एलिक्वेंस है, बातें बहुत शानदार करते हैं, द प्रेस्पिक्यूटी ऑफ हिज डिस्कोर्स, जो उनकी बातचीत में इंटेलिजेंस है, गिव द सेम प्लेजर दैट वुड इन अनदर मैन, उससे कहता है कि बहुत ज्यादा आनंद आता है। He made his fortune himself, खुद मेहनत से किस्मत बनाई है, and says that England may be richer than other kingdom by as plain method as he himself is richer than other men, कहता है कि मेरे तरीकों जो मैंने जो साधारण तरीके अपनाए हैं, इन्हीं तरीकों से इंग्लैंड भी और देशों से ज्यादा अमीर हो सकता है। Though at the same time I can say of him, अब मैं बता सकता हूँ, there is not a point in compass, कंपास में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है, बट ब्लो होम ए शिप इन विच ही इज एन ओनर, जहाँ पे आने वाले जहाज किसी जहाज का वो ओनर ना हो, हर एक जगह उसके जहाज चलते हैं, हर एक जगह उसका बिजनेस है। नेक्स्ट टू सर एंड्रू इन क्लब रूम सिट कैप्टन सेंट्री, अब इसके बाद कैप्टन सेंट्री हैं, ए जेंटलमैन ऑफ ग्रेट करेज गुड अंडरस्टैंडिंग, जो कि महान ताकत बहुत ज्यादा शक्तिशाली बहुत अच्छी समझ के व्यक्ति हैं, बट इनविंसिबल मोडेस्टी, पर बहुत ज्यादा शर्मीले हैं, मोडेस्ट मतलब नम्र है शर्मीले हैं। ही इज वन ऑफ दोस हु उनमें से एक हैं दैट डिजर्व वेरी वेल, जो बहुत लायक हैं बट आर वेरी ऑकवर्ड at putting their talent within the observation of such as should take notice of them, पर वो क्या है कि वो अपने आप को deserve तो बहुत करते हैं, पर वो अपने आप को लोगों को नजर नहीं ला पाते, भी लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। He was some year a captain, कुछ साल एक captain था, and behave himself with great gallantry in several engagement and at several seas, और कई लड़ाइयों में कई झगड़ों में ये बहुत बहादुरी से लड़ा, but having a small estate of his own, और पर उनकी छोटी सी उनके पास में जमीन है, and being next heir to Sir Roger, और Sir Roger के ये उत्तराधिकारी भी हैं, ये भी question आ सकता है कि Sir Roger के उत्तराधिकारी कौन है? Captain Sentry, he is quitted a way of life, तो उन्होंने ये तरीका ही छोड़ दिया, इन विच नो मैन कैन राइज सुटेबली टू हिज मेरिट, जहाँ पे आदमी अपनी काबिलियत के दम पर आगे नहीं बढ़ता है। हु इज नॉट समथिंग ऑफ ए कर्टियर एज वेल एज ए सोल्जर, तो इनकी वहां पे जो इम्पोर्टेंस है वो कर्टियर की भी नहीं है, दरबारी की नहीं है, और सोल्जर की भी नहीं है। I have heard him often lament, मैंने कई बार उन्हें रोते हुए सुना है, that in a profession, कि ऐसे बिजनेस में where merit is placed in so conspicuous a view, imprudence should get the better of modesty, कहता है भी ऐसी जगह जहां merit को
मैरिट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो जो इम्प्रूडेंस जो हठी अग्रेसिव लोग होते हैं वो मोडेस्ट लोगों से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लोग अग्रेसिव होते हैं वो ज्यादा अपना आगे दिखाते हैं और मोडेस्ट आदमी कुछ कर नहीं पाता है। व्हेन ही हैज टॉक टू दिस पर्पस, जब वो इस बारे में बात करते हैं, आई नेवर हियर्ड हिम मेक ए सोर एक्सप्रेशन, हमने उन्हें कभी दुखी होते नहीं सुना है, बट फ्रेंकली कन्फेस, वो स्पष्ट बताते हैं, ही लेफ्ट द वर्ल्ड, उन्होंने प्रोफेशन को छोड़ दिया, because he was not fit for it, क्योंकि वो इसके लायक नहीं थे। A strict, honest, सख्त ईमानदार and even regular behavior, blameless उनका behavior था, are in themselves obstacle to him that must press through crowds, क्योंकि वो उसके सामने जो उनका उनकी honesty और उनका जो behavior था वो उनके सामने ऐसी बाधा थी जो उन्हें भीड़ में आगे बढ़ने से रोकती थी। Who's underwear at the same end with himself, the favor of a commander, और सारी भीड़ की एक ही इच्छा थी क्या कि कमांडर का हमें फेवर मिल जाए, तो उस लिए वो तो स्टिक ऑनेस्ट और बड़े हम्बल थे, वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। He will, however, in his way of talk, excuse general for not disposing according to man's desert or inquiring into it. जब भी वो बात करते हैं तो वो जर्नलों के ऊपर बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, great man has a mind to help me, has many to break through to come to me as I have to come at him. कहता है कि महान आदमी जो मेरी मदद करने चाहेंगे, बड़े आदमी जो मेरी मदद करना चाहेंगे, तो उनके रास्ते में बड़ी समस्याएं होंगी मेरे तक आने में, जैसे मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है उन तक जाने में। Therefore he will conclude, इसलिए वो कहते हैं, the man who would make a figure, जो आदमी एक इंप्रेशन छोड़ना चाहता है, स्पेशली इन मिलिट्री वे, खास करके मिलिट्री में, must get over all false modesty, तो उसे सारी शर्म छोड़ देनी चाहिए, and assist the patron against the impunity of other pretender, और उसे अपने हायर ऑफिसर को लोगों के बारे में बताना चाहिए, by a proper assurance in his vindication, कि सर मैं बहुत बढ़िया काम कर सकता हूँ, उसे अश्योर करना पड़ेगा। He say it is a civil coward to be backward in asserting what you ought to expert as it is a military fear. वो कहता है कि ये सिविल कोवार्ड्स है, ये तो एक सिविलियन के अंदर जो शर्म होती है वो है कि वो पीछे होकर बताए कि सर मैं क्या चाहता हूँ, एज इट इज ए मिलिट्री फियर टू बी स्लो इन अटैकिंग व्हेन इट इज ऑन योर ड्यूटी, क्योंकि मिलिट्री में तो ये डर माना जाता है कि अगर आपका आपकी ड्यूटी और आप अटैक नहीं करो तो ये आपका डर है। विद दिस कैंडर डज द जेंटलमैन स्कीप ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर, इस स्पष्ट तरीके से ये जेंटलमैन अपने और दूसरों के बारे में बात करता है। द सेम फ्रेंकनेस रन थ्रू ऑल हिज कन्वर्सेशन, ये जो फ्रेंकनेस, ये जो खुलापन है उसकी सारी बातचीत में जाता है। द मिलिट्री पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैज फर्निश्ड हिम मेनी एडवेंचर, मिलिट्री पार्ट के अंदर उसमें बहुत सारे एडवेंचर आए हैं, इन रिलेशन टू विच ही इज वेरी एग्रीबल टू द कंपनी, जिसके कारण वो हमारी जो स्पेक्टेटर क्लब की कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। For he is never overbearing, क्योंकि वो कभी भी aggressive नहीं होता है। Who accustomed to command men in most utmost degree below him, क्योंकि उसको तो सिखाया ही गया है कि जो उससे जो बिल्कुल नीचे बंदा है उसे कैसे बातचीत करनी है। Nor ever too obsequious, वो ज्यादा obedient भी नहीं है। From an habit of obeying men highly above him, ना ही वो ऊपर वाले की बात मानने की आदत होती, इसलिए वो obeying वो नहीं, इतना आज्ञाकारी भी नहीं है। But our society may not appear a set of humorists, पर हमारी सोसाइटी में सारे के सारे संकीय नहीं है। Unacquainted with gallantry and pleasure of age, ऐसे भी बंदे नहीं है जिन्हें उस एज के मजे ना लिए हों, लव अफेयर्स ना किए हों। We have among us, हमारे अंदर विल हनीकम नाम से एक पर्सन है, अकॉर्डिंग टू हिज ईयर शुड बी डिक्लाइन ऑफ हिज एज, जो एज के अकॉर्डिंग तो बुढ़ा होना चाहिए, बट हैविंग ever been very careful of his person, पर उस बंदे ने अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखा है, and always had a very easy fortune, हमेशा पैसे वाला रहा है। Time has made but a very little impression either by wrinkle on his forehead or trace on his brain. इसलिए time, age ने उसके ऊपर बहुत ही कम impression लगाए हैं, मतलब बहुत कम छाप छोड़ी है, उसके झुर्रियां भी बहुत, उसके माथे पर झुर्रियां भी बहुत कम है, या दिमाग में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। His person is well trimmed, उसकी बॉडी बहुत अच्छी बनी हुई है, and of a good height, height भी ठीक है। He is very ready at the sort of discourse with which men usually entertain women. वो ऐसी बातचीत करने में बड़ा एक्सपर्ट है जिस तरह की बातचीत से ज्यादातर लोग औरतों के साथ करते हैं। He has all his life dressed very well, हमेशा अच्छे कपड़े पहने हैं, and remember habit as other men
अदर्स डू मैन, जैसे और लोग लोगों का नाम याद रखते हैं, ये बंदा हैबिट याद रखता है। ही कैन स्माइल व्हेन वन स्पीक टू हिम, जब भी कोई उससे बात करे वो मुस्कुरा सकता है। एंड लाफ इजीली, और आसानी से हंस सकता है। ही नोज द हिस्ट्री ऑफ एवरी मूड, हर एक फैशन की उसको हिस्ट्री पता है। एंड कैन इन्फॉर्म यू फ्रॉम विच ऑफ फ्रेंच किंग्स बेंच आवर वाइफ्स एंड डॉटर हैड दिस मैनर ऑफ कर्लिंग देयर हेयर, वो आपको ये बता सकता है कि किस राजा की, किस फ्रेंच राजा की रखेल से हमारी पत्नी और बेटियों ने इस तरह अपने बालों को कर्ल करना सीखा। दिस वे ऑफ प्लेसिंग देयर हुड्स, किस तरह उन्होंने ये अपने सर पे जो हुड हैट लगाना सीखा। हुज फर्टिलिटी वाज कवर्ड बाय सच सॉर्ट ऑफ ए पेटीकोट, किस तरह की लेडी इस तरह की पेटीकोट पहनती थी। एंड हुज वैनिटी टू शो हर फूट मेड दैट पार्ट ऑफ ड्रेस सो शॉर्ट इन सच ए ईयर, और किसने अपने पैर दिखाने के कारण उसने अपनी ड्रेस इतनी छोटी कर ली थी कि वो एक फैशन बन गया। इन ए वर्ड, मैं जो कहूँ, ऑल हिज कन्वर्सेशन एंड नॉलेज हैव बीन इन द फीमेल वर्ल्ड, उसकी सारी नॉलेज जो है वो फीमेल वर्ल्ड की है। एज मैन ऑफ हिज एज विल टेक नो नोटिस ऑफ यू, क्योंकि उसके एज के और बंदे तो ऐसा नोटिस ही नहीं लेंगे। दैट सच ए मिनिस्टर सेड अपॉन, तो यही कहेंगे कि सर एक मंत्री जी ने इस टाइम ये कहा था। ही विल टेल यू, वो क्या कहेगा, दैट ड्यूक ऑफ मनमथ डांस एट कोर्ट, के कब ड्यूक मनमथ के जो ड्यूक थे वो उन्होंने कोर्ट में डांस किया था। सच ए वुमन वाज देन स्मिटन, किस और कौन सी औरत वो डांस देखकर प्यार में पड़ गई थी। अनदर वाज टेकन विद हिम, दूसरी कौन सी उनके साथ गई थी। एट हेड ऑफ हिज ट्रूप इन द पार्क, उनके साथ पार्क में गई थी। ऑल दीज इंपॉर्टेंट रिलेशन ही एज एवर अबाउट द सेम टाइम रिसीव्ड ए काइंड ग्लांस, किस तरह से कहता इस टाइम कि एक लेडी ने मुझे प्यार से देखा था। और ब्लो ऑफ ए फैन फ्रॉम सम सेलिब्रेटेड ब्यूटी, या किसी लेडीज ने मेरे पर एक पंखा मारा था, जो लेडीज हाथ में फैन लेती है। मदर ऑफ, जो कि मदर ऑफ प्रेजेंट लॉर्ड सचेवन, जो वर्तमान लॉर्ड की माँ है। इफ यू स्पीक ऑफ ए यंग कॉमनर, अगर आप किसी कॉमनर किसी सांसद की बात करेंगे, दैट सैड ए लवली थिंग लाइवली थिंग इन द हाउस, जिन्होंने संसद में कुछ कहा हो, ही स्टार्ट सब तो क्या कहेंगे। ही हैज गुड ब्लड इन हिज वेंस, उनके अंदर अच्छा खून है। टॉम मिराबल बी गोटिंग, टॉम मिराबल के पुत्र हैं। द रोग्यू चीटेड मी इन दैट अफेयर, उस वो बदमाश ने उस अफेयर में मुझे धोखा दिया था। दैट यंग फेलोज मदर यूज्ड मी मोर लाइक ए डॉग देन एनी वुमन आई एवर मेड एडवांस टू, तो वो बताता था कि इन इन साहब की जो माँ है वो तो मुझे कुत्ते की तरह रखती थी गोद में। जिस भी लेडी से मैंने प्यार किया सबसे ज्यादा यही प्यार करने वाली थी। दिस वे ऑफ टॉकिंग, इस तरह की बातचीत है, वेरी मच एनलिवन द कन्वर्सेशन अमंग अस, उससे हमारी जो बातचीत है बड़ी जीवंत तो उठती है। एंड आई फाइंड देयर इज नॉट वन ऑफ द कंपनी बट माई सेल्फ, और मैं क्या देखता हूँ कि पूरी कंपनी में मैं ही हूँ। वो रेयरली स्पीक एट ऑल, जो कम बोलता हूँ, बट स्पीक ऑफ हिम, पर वो जो बोलता है, एज दैट सॉर्ट ऑफ ए मैन हु इज यूजुअली कॉल्ड ए वेल ब्रेड फाइन जेंटलमैन, ऐसे बंदे को हम बहुत ही शानदार सभ्य व्यक्ति कह सकते हैं। टू कंक्लूड हिज करेक्टर, उनके बात उनके चरित्र के बारे में बताते हुए, व्हेन वेयर वुमन आर नॉट कंसर्न्ड, जहां औरतों की बात ना हो, ही इज एन ऑनेस्ट वर्थी मैन, तो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। आई कैन नॉट टेल व्हेदर आई एम टू अकाउंट हिम, मैं उनके बारे में क्या बताऊं, हूम आई नेक्स्ट टू स्पीक, जिनके बारे में बता रहा हूं, एज वन ऑफ आवर कंपनी, जो हमारे मेंबर हैं। फॉर ही विजिट अस बट सेल्डम, क्योंकि वो कभी कभी हमारे बीच आते हैं। But when he does, जब भी वो आती हैं, it adds to every man else a new enjoyment of himself, तो हर एक आदमी को बहुत मजा आता है। He is a clergyman, वो एक पादरी हैं, a very philosophical man, बड़े दार्शनिक व्यक्ति हैं, of general learning, सामान्य पढ़े लिखे हैं, great sanctity of life, पर उनका character, उनका चरित्र बहुत ईमानदार है, and of most exacts गुड ब्रीडिंग, और बहुत ही शानदार अच्छे परिवार के हैं। ही हैज द मिसफॉर्चून टू बी ऑफ ए वेरी वीक कॉन्स्टिट्यूशन, बदकिस्मती से बहुत ज्यादा कमजोर है उनका शरीर। एंड कॉन्सिक्वेंसली कैन नॉट एक्सेप्ट ऑफ सच केयर एंड बिजनेस, इसलिए वो ऐसा काम नहीं कर सकते। एज प्रेफरमेंट इन फंक्शन वुड अब्लाइज हिम टू, कि उस उन बिजनेस में उनको हाई, उस जॉब में उनको हाई अपॉइंटमेंट मिले, उनको तरक्की मिले, वो ऐसा उनका शरीर ऐसा नहीं था, इसलिए वो कलर्गी मैन पादरी बन गए। ही इज देयर फॉर अमंग डिवाइंस, इसलिए वो पादरी बन गए। बट ए चैम्बर काउंसलर इज अमंग लॉयर, चैम्बर काउंसलर वो लॉयर वकील होते हैं जो सिर्फ सलाह देते हैं, कोर्ट में केस नहीं लड़ते हैं।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन, उनके जो दिमाग की समझ है, एंड द इंटीग्रिटी ऑफ हिज लाइफ, और उनके जो जिंदगी का सीधापन है, क्रिएट हिम फॉलोअर्स, लोग उनके भगत बन जाते हैं, एज बीइंग एलोक्वेंट एंड लाउड एडवांसेस अदर, जिस तरह से ज्यादा बातचीत करना या लाउड एडवांस लोग अपनी आगे पोजीशन में जाते हैं, उनके दिमाग और उनके उनके सीधे जीवन को देखकर लोग उनके भगत बन जाते हैं। He seldom introduced the subject he speak upon. वो कभी भी बताते नहीं हैं किस विषय पर बातचीत करेंगे। But we are so far gone in years कि अब हम इतने ज़्यादा कई सालों से उनके साथ हैं, that he observe when he is among us, जब वो हमारे बीच होते हैं, an earnestness to have him fall on some divine topics, तो वो किसी न किसी तरह से कोई धार्मिक टॉपिक ले लेते हैं, which he always treat with much authority, इस पर वो बड़े जबरदस्त तरीके से बात करते हैं, as one who has not interest in this world, क्योंकि वो ऐसे बात करते हैं कि उन्हें इस संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, as one who is hastening to object of all his wishes, जिन्हें अपने जिनकी जिनको यही इच्छा है कि किसी तरह मुझे सालवेशन मुक्ति मिल जाए, एंड कंसीव होट फ्रॉम हिज डीके एंड इनफर्मिटीज, और वो हमें वो ये क्योंकि उनका शरीर बहुत कमजोर है और वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो हम वो अपनी एटर्नल लाइफ वो आफ्टर लाइफ की बातें ही करते हैं, दीज आर माई ऑर्डनरी कंपेनियंस, ये मेरे साथी हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।